हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ शिवानी चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों से कुछ बात करनी थी। कल मैंने एक दो वीडियो अपलोड किया था। एक वीडियो मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड था और एक था थोड़ा टेक्निकल के बारे में, मैंने अपलोड किया था कल। और उस वीडियो पे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, पता नहीं क्यों। मैंने कुछ कॉपीराइट तो हमें नहीं लग रहा कुछ किए, लेकिन लगे हो सकता है थंबनेल में किए थे, थंबनेल बनाए थे शायद डाउनलोड करके गूगल से। तो उस पर मुझे कॉपीराइट कॉन्टेक्ट आ गया और वो मेरा वीडियो जो है डिलीट हो गया। वो यूट्यूब ने मेरा जो वीडियो, कल मैंने टेक्निकल एक वीडियो डाला था, और वो कॉपीराइट आया मेरे पे। ईमेल अभी आया, ईमेल से वेरीफाइड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट का क्लेम। यहाँ पे मैं आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमको गूगल से एक मेल भी आया और मैंने अपना अकाउंट से खोल के भी देखा, और ये मैंने अकाउंट से स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैंने कुछ वैसा तो ज़्यादा कॉपीराइट ना, तो कोई क्लिप डाउनलोड किया था वीडियो, बस फोटो मैंने ऐड किया था गूगल से, तो उस पर आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक। और अच्छी बात यह है कि अभी मेरे चैनल को सस्पेंड करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से मेरे चैनल अभी इफेक्टेड नहीं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हूँ, यहाँ पे लिखा है कि अब मेरा चैनल वो पे कोई वो नहीं है, मेरा चैनल ठीक है, सेफ है, चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। मतलब कुछ देर तक वो वीडियो था, कुछ व्यूवर्स मेरे वो देखे वीडियो और कुछ लोगों नहीं देख पाए। और कॉपीराइट स्ट्राइक है, मेरे पे मेल आया कि आपका ये वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, और ये मेल भी आया मेरे पे। और सो मैं देख के हैरान हो गया कि भाई कैसे मतलब आ गया। और अभी तो मेरा करीब करीब 10-12 मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया था, करीब ये 14-15 वाला वीडियो था, और इस पे आ गया स्ट्राइक इतना जल्दी। मैंने कुछ कॉपीराइट भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल वीडियो बनाता हूँ भाई। मैं तो सॉन्ग सेट करता हूँ, ना तो सॉन्ग सेट करता हूँ, ना तो कोई वीडियो क्लिप जो भी यूज़ करता हूँ सिंपल मैं बनाता हूँ वीडियो। यहाँ पे सिंपल से रिकॉर्डिंग करता हूँ और थंबनेल भी खुद से ही बनाता हूँ ज़्यादातर। लेकिन टेक्निकल वीडियो होने के कारण मैंने गूगल से वो फोटो डाउनलोड किया था, तो हो सकता है उस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आई। अभी तो पता नहीं चला कि किस लिए आया है कॉपीराइट स्ट्राइक, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो गाइज, बस आप लोगों से यही कहना था कि आप लोग ऐसा ना करें, मेरे साथ ऐसा हुआ तो हमने सोचा आप लोगों को भी बता दें। सो अभी मेरे चैनल को कोई भी वो नहीं हुआ है, मेरा चैनल पूरी तरह से सेफ है, मेरे चैनल पे कोई भी असर नहीं है उसका। और वो वीडियो ना YouTube डिलीट कर दिया है मेरा जो वीडियो था। हाँ, मैं स्क्रीन शॉट लेकर आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखते रहिए। और वो डिलीट कर दिया YouTube ने मेरा वो वीडियो। और मैंने थंबनेल मतलब डाउनलोड किया था गूगल से, फोटो डाउनलोड किया, उसको थंबनेल बनाया था, तो हो सकता है थंबनेल की वजह से उन लोगों ने मेरा वीडियो डिलीट कर दिया हो। सो मेरे चैनल को कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और कल मैं करीब शाम को 4 बजे करीब वो वीडियो अपलोड किया था, और वीडियो अपलोड करने के आधे घंटे बाद मुझे एक मेल आया कि कॉपीराइट स्ट्राइक आया मेरे चैनल पे। तो मैंने मेल ओपन किया तो देखा यहाँ पे लिखा हुआ था कि कॉपीराइट क्लेम आया था अमेजोन की तरफ से, अमेजोन LCC करके। सो मैंने अमेजोन का शायद कुछ फोटो शायद या थंबनेल बनाया था, उसीलिए शायद आ गया होगा। सो मैंने वो देखा फिर से वो, तो ओपन करके तो उसमें देख रहे हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आया हुआ है, और उसमें दिखाया कि मेरा चैनल मतलब मैं परेशान हो गया जब देखा कि मेरे भी चैनल पे कोई स्ट्राइक आया है। तो मैंने उसे ओपन किया तो देखा तो कॉपीराइट स्ट्राइक थी, और देखा कि जब मेरे चैनल को कोई इफेक्ट नहीं हो तो हमें अच्छा लगा यार, कम चलो ठीक है, चैनल तो सेफ है। क्योंकि चैनल अगर मेरा पूरा डिस्पेंड हो जाए तो यार पूरा एकदम मेहनत बेकार हो जाएगी ना, तो उस वीडियो पे स्ट्राइक आ गई। सो कोई बात नहीं, फिर से अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब सीखते ही सीखते मिलता है चीज़। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप कोई भी कॉपीराइट यूज़ ना करें। आप देख सकते हैं मेरे पे ऐसे ही मिला है, ज़्यादा मैंने कुछ कॉपीराइट नहीं किया, सिंपल वीडियो बनाता हूँ, आप ये देख ही सकते हैं। ज़्यादा मैं कॉपी नहीं करता हूँ, ना तो मेरे वीडियो में और वीडियो की क्लिप होती है, ना ही वो कोई सॉन्ग सेट करता हूँ, सिंपल सा वीडियो बनाता हूँ। सो कॉपीराइट आ गई, और इसकी वजह से मैंने यूट्यूब को एक मेल भी किया कि मेरे में क्या कॉपीराइट आई है, मतलब क्या मैं कंटेंट यूज़ किया हूँ जो कि कॉपीराइट है। सो अभी YouTube की तरफ से कोई अभी हमको मेल नहीं आया। मैंने मेल किया था YouTube को कि मैंने अपनी वीडियो में क्या यूज़ किया है वैसा कि मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, लेकिन अभी YouTube की तरफ से कोई भी हमको मेल नहीं आया कि हाँ आपने वीडियो में अपने ये यूज़ किया इसकी वजह से आपको कॉपीराइट मिली है। सो अभी देखते हैं, अगर आज जैसे ही मेल आता है कि मेरे मैंने अपनी वीडियो में क्या यूज़ किया था, सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ना करें। और मुझे लगता है कि मैंने थंबनेल जो बनाया था गूगल से डाउनलोड करके फ़ोटो, उसकी वजह से वो आया होगा।
सो गाइस, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थंबनेल खुद से बनाइए और उसको डाउनलोड मत कीजिए। खुद की जो फोटो ले रहे हैं या फिर वीडियो शूट करें तो खुद का यूज करें, दूसरों का थंबनेल ना यूज करें। मैंने टेक्निकल वीडियो बनाया था तो मैंने गूगल पे सर्च करके और थंबनेल डाउनलोड किया था इमेज में से, तो हो सकता है वो किसी और का वीडियो का थंबनेल रहा होगा, इसकी वजह से मैं वो थंबनेल यूज किया और उसकी वजह से हमको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई मेरे चैनल पे। सो अब ऐसी गलती नहीं करनी कभी भी। सो आप लोगों से सोचिए बता दें, क्योंकि मैं जो जो स्थिति से गुजर रहा हूँ, परिस्थितियों से, आपको आपको ऐसा ना होना पड़े। सो इसीलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों को बताते हैं। सो देखते रहिए मेरे वीडियो, बस आज की वीडियो में इतना यही बताना था आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही यूट्यूब से मेल आता है मैं आपको बताऊंगा किस लिए मेरी वीडियो पे स्ट्राइक आई थी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।